100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। कोरोना वायरस के खौफ और लॉकडाउन के पाबंदियों के बीच पूरे देश में आज धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। दुनिया भर में ऐसा पहली बार हुआ जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने सबसे बड़े पर्व ईद उल फितर की नमाज मस्जिद या ईदगाह पर नहीं बल्कि घर में ही अदा की। रविवार को चांद नजर आते ही एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं ने ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ईद मुबारक, ईद उल फितर की आप सभी को बधाई। ये खास पर्व हम सभी के जीवन में भाईचारा और शांति लाए, हर कोई स्वस्थ रहे और खुश रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ईद के अवसर पर देश की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्यौहार सभी की जिंदगी में शांति और खुशियां लेकर आए।